उनको वापस से रीग्रोथ अब मिल चुका है। पर उनको रीग्रोथ तो मिला बट उनको आर्मर नहीं मिलेगा अगेंस्ट, बट यहाँ पे यहाँ चीजों ने एक अच्छा कल निकालते हुए स्किल्स के ऊपर आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी है और ये चीज बाइंड में आप बहुत ज्यादा हद तक कर भी सकते हो कि आप एक जगह पे थोड़ा सा यू नो आवाज करते हो फिर दूसरी साइड पे भी आप यहाँ पे चले जाते हो तो अपोनेंट्स जो डिफेंडर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एसके रोसी इज हियर, एक ऑपरेटर उनके पास जरूर है। मैं देखना चाहूंगा अब रीटेक कैसे खेलती है टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। अगर बात की जाए स्किल्स बेसिकली कर क्या रहे थे उनको, जैसे मल्टीपल फुल स्टेप्स आए थे वो पीछे हट रहे थे और जैसे वो पीछे हटे इंस्टेंटली टीम आई की तरफ से खिलाड़ी आ गया है, उनका किल वापस सिक्योर करा और जैसे फर्स्ट ब्लड मिला स्पिरो वेट कर रहे हैं और अभी तक स्पाइक प्लांट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, अभी तक स्पाइक प्लांट हो जाना चाहिए था। स्पाइक प्लांट नहीं हुआ है, एसके रोसी दोबारा से एक किल निकालते हुए एंटी डॉट के पीछे पीछे जरूर गए थे, कापा को टेक डाउन किया उन्होंने। सिचुएशंस बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी है, हेल रेंजर हेल्फ को लेकर जाते हुए इट्स अ 3v3 सिचुएशन, स्पाइक अप प्लांट कर दिया गया है, अगली किल जो निकालेगा एडवांटेज स्ट्रेट अवे किल जो उसी के पास जाने वाला है। एसके रोसी जब तक अपनी ऑपरेटर के साथ है तब तक टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हमेशा एक प्रबल दावेदार रहेगी राउंड जीतने की। यहाँ पे एक अच्छा किल निकालते हुए स्टिल टाइम इज ऑफ द एसेंस नाउ, इट्स अ 2v3 सिचुएशन, क्या यहाँ पे जीत सकती है टीम भाई भाई डेफिनेटली स्पिरो क्लच मास्टर उनके पास अवेलेबल है यहाँ पर। वेल राइट टू क्लच, यहाँ पे एक स्प्रे दो शिकार और इस यही चीज की जरूरत है कि जो We'll be right back.